भोपाल के एक व्यवसायी के साथ 14 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल से उस समय हिरासत में ले लिया जब वह विदेश भागने के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहा था। भोपाल के हनुमानगंज थाना पुलिस ने 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भोपाल के कारोबारी जयनारायण चौकसे ने पुलिस को बीते 9 अप्रैल को शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने मोहम्मद सरवर खान नाम के व्यक्ति पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। पीड़ित के आवेदन के बाद पुलिस ने सक्रियता से कार्रवाई की। FIR दर्ज होने के बाद से सरवर भोपाल से फरार हो गया था। मामला 14 करोड़ का होने की वजह से पुलिस इस केस के आरोपी सर्वर की खोजबीन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी के मुंबई में होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम गठित कर मुंबई के लिए रवाना किया गया। टीम ने आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ लिया। यह विदेश भागने की फिराक में था। ये 9 अप्रैल 2024 महीने में आवेदक जयन चौकसी के द्वारा सरवर खान के विरुद्ध में थाना श्यामला हिल्स में अपराध पंजीकृत कराया गया, जिसमें क्रिम विवेचना के लिए श्रीमान डीसी महोदय के आदेश से थाना हनुमानगंज जांच की जा रही थी, तो विवेचना की जा रही थी। तो विवेचना के क्रम में आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट के पास से उनसे गिरफ्तार किया गया। और इसमें प्रकरण में करीबन 14 करोड़ रुपये की आरोपी द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। आरोपी के विभिन्न बैंक खातों से करीबन 1 करोड़ के आसपास की राशि को फ्रीज किया गया है और आरोपी सर्वर को अरेस्ट करने के बाद न्यायालय प्रस्तुत किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।